सूझ गई। तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईसरा YouTube चैनल की पुरानी भूली बिसरी यादों के एक और नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों आज की हमारी बहुत ही अति दुर्लभ ऑडियो कैसेट है, रेयर ऑडियो कैसेट है। फिल्म का नाम है रुदाली। जी हाँ दोस्तों, रुदाली। अभी अभी मैंने जो गानों की झलकियाँ सुनाई, कहीं ना कहीं आपको इस ऑडियो कैसेट से भी आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई होंगी, तो ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि इस ऑडियो कैसेट में भी बड़े प्यारे प्यारे गाने थे। कंपनी का नाम है दोस्तों पैन ऑडियो। जी हाँ दोस्तों, पैन ऑडियो पर ये आई थी, अति दुर्लभ ऑडियो कैसेट है। शायद इससे पहले आपने नहीं देखी हो, यदि नहीं देखी हो तो भी बताना, और देखी हो तो भी बताना, पहले गाने सुने हैं तो भी बताना। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, और करते हैं पैन ऑडियो कैसेट पे आई रुदाली ऑडियो कैसेट का रिव्यू। तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। ये रोशनी का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए एवं आप खुश रहें। तो चलिए आपको दिखाते हैं रुदाली फिल्म की ओरिजिनल मास्टर कैसेट, जो कि दोस्तों एक अवार्ड विनिंग फिल्म थी जैसा कि आप जानते हैं। और गाने बहुत अच्छे थे, म्यूजिक भूपेन हजारिका का था, लिरिक गुलजार के थे, और दूरदर्शन द्वारा ये फिल्म दोस्तों प्रोडक्शन थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये रही रुदाली फिल्म की ओरिजिनल मास्टर कैसेट, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं म्यूजिक भूपेन हजारिका। और राजस्थान की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म फिल्माई गई थी, और बहुत सारे अवार्ड मिले थे इस फिल्म को। और इसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर, आशा भोंसले और भूपेन हजारिका के, लिरिक गुलजार के थे। दूरदर्शन द्वारा ये प्रोडक्शन थी, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं द अवार्ड विनिंग फिल्म है, नाम है रुदाली, और इसके डायरेक्टर कल्पना लाजमी थी। और ये इसका पोस्टर देख सकते हैं, पैन ऑडियो पर ये कैसेट आई थी, और इधर भी पैन ऑडियो का लोगो देख सकते हैं, रुदाली लिखा है, द अवार्ड विनिंग फिल्म लिखा है, इसकी रेट डली हुई है, इधर गाने लिखे हुए हैं। और यदि हम मास्टर कैसेट देखें तो ये रही दोस्तों पैन कंपनी की ब्लैक कलर की रुदाली फिल्म की मास्टर ऑडियो कैसेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं NFDC मतलब दूरदर्शन का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। ये लोगो देखकर कहीं ना कहीं हम भी उसी दूरदर्शन के ज़माने में लौट जाते हैं, जब रामायण महाभारत आती थी और बहुत सारे एड ब्रेक भी दूरदर्शन पर आया करते थे। और यहाँ पर लिखा है NFDC दूरदर्शन को प्रोडक्शन, रुदाली द म्यूजिक भूपेन हजारिका का है, पैन ऑडियो कैसेट है ये, 1993 के इसके कॉपीराइट है, ये साइड भी है। और ये रही साइड ए, यहाँ पर भी दूरदर्शन का प्यारा लोगो, रुदाली लिखा हुआ है, भूपेन हजारिका, म्यूजिक बाय पैन ऑडियो का लोगो, और सारी जानकारी इसमें आप देख सकते हैं, ओरिजिनल मास्टर कैसेट। चलिए कवर दिखाते हैं। यदि हम कवर देखें तो कवर में भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कवर है रुदाली का। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट आ रहे थे कि यार एक फिल्म है जिसका नाम है रुदाली, आप उसकी ऑडियो कैसेट ज़रूर दिखाना। तो चलिए आज आपको दिखाई दी मैंने, और इसमें गाने लिखे हुए हैं सारे देख सकते हैं, इधर भी गाने लिखे हुए हैं, और 1993 के इसके कॉपीराइट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और गाने बड़े प्यारे थे, जैसे कि दिल घूम घूम करे घबराए लता मंगेशकर की आवाज़ में, समय ओ समय धीरे चलो भूपेन हजारिका की आवाज़ में, बीते ना रहना आशा भोंसले की आवाज़ में, समय ओ धीरे धीरे चलो लता मंगेशकर की आवाज़ में। और यदि हम साइड बी की बात करें तो साइड बी में पढ़ सकते हैं गाने, दिल घूम घूम करे भूपेन हजारिका, समय ओ समय धीरे चलो आशा भोंसले की आवाज़ में, मौला ओ मौला भूपेन हजारिका की आवाज़ में, और झूठी मूठी मितवा लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो चारों चार आठ गाने इस ऑडियो कैसेट में। उस जमाने में ये पहला गाना बहुत ज़्यादा सुना जाता था, दिल हुम हुम करे घबराए, बहुत ही प्यारा गाना है। कैसेट आपने देख ली, और ये कैसेट है, ये कवर है, कहीं ना कहीं कैसेट देखकर आप भी वही दूरदर्शन के पुराने ज़माने में लौट गए होंगे। तो चलिए अब हम इस फिल्म की आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं एवं गानों की झलकियाँ सुना देते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलो सूझ गई बीते ना रहना, हुम हुम करी घबराए, धन 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 मौला ओ मौला मौला मौला
दोस्तों रुदाली 1993 में बनी हिंदी भाषा की एक बहुत ही प्यारी फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर कल्पना लाजमी थी और इसमें राइटर गुलजार साहब थे। इसमें हमको मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए थे डिंपल कपाड़िया, राज बब्बर, राखी गुलजार, अमजद खान। और इसमें म्यूजिक दोस्तों भूपेन हजारिका का था और इसकी रिलीजिंग डेट थी 18 जून 1993। और इस फिल्म को कई नेशनल अवार्ड भी मिले थे। तो दोस्तों अभी हमने रुदाली फिल्म का ऑडियो कैसेट देखा, इसके गानों की झलकियाँ सुनी। कहीं ना कहीं ऑडियो कैसेट देखकर आपकी पुरानी भूली बिसरी यादें जरूर ही ताज़ा हो गई होंगी और ये दूरदर्शन का लोगो देखकर कहीं ना कहीं आप भी उस ज़माने में लौट गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल शाम के 7 बजे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।